નવી દિલ્હીની વાત કરીએ તો જહાંગીરપુરી ઇન્સાનો સ્થાનિકવાસીઓ માટે નસાર છે, જેણે રામનવમીથી સમગ્ર ષડયંત્રને અંજામ આપ્યો હતો. આઈટીવી નેટવર્કના એક રિપોર્ટ પર એ પણ બતાવ્યું હતું કે કેવી રીતે ફોરેન્સિક ટીમ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી પથ્થરો એકત્ર કરતી હતી. આનો અર્થ એ થાય છે કે આઈબી સૂત્રોના સમાચાર દ્વારા તેની પુષ્ટિ થાય છે કે પથ્થરો પહેલેથી જ એકત્રિત કરવામાં આવ્યા હતા. અમે કુશાલ ચોક પાસે આ ષડયંત્રની જાણકારી મેળવી હતી, જ્યાં અંસારે રામનવમીના દિવસે 9 થી 13 લોકો સાથે બેઠક કરીને આ કાવતરું ઘડ્યું હતું. ચાલો તમને જણાવીએ કે આ ષડયંત્ર કેવી રીતે ઘડવામાં આવ્યું હતું અને કેવી રીતે સરગસને પ્રભાવિત કરવાની યોજના તૈયાર થઈ હતી. આવો જોઈએ અમારા સંવાદદાતા જતીન ગોસ્વામીનો વિશેષ અહેવાલ. जहांगीरपुरी हिंसा मामले में एक बड़ी खबर ये है, आईबी सोर्सेस के हवाले से सामने आया है कि जहांगीरपुरी हिंसा की साजिश एक हफ्ते पहले ही रच ली गई थी और उसके लिए छतों पर ईंट और पत्थर एकत्रित किए जा रहे थे. जी हां, इस पूरे मामले में जो साजिशकर्ता का नाम सामने आ रहा है वो नाम है अंसार, जो पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में है. मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कुशल चौक है, जहां से इस पूरी हिंसा की साजिश को अमली जामा पहनाया गया. आईबी सूत्रों की माने तो करीब एक हफ्ते पहले ही अंसार ने इस इलाके में 9 से 13 लोगों के साथ एक बैठक की थी. इस बैठक में हिंसा की साजिश को रचा गया था और ये बताया गया था, ये तय किया गया था कि शोभा यात्रा को कुशल चौक से नहीं गुजरने दिया जाएगा. यही नहीं, कुछ पत्थर, रोड़ी और ईंटें एकत्रित करने की साजिश भी पहले से रच ली गई थी. तभी हमने आपको दिखाया था कि घरों की छतों पर जब फॉरेंसिक टीम पहुंची थी तो वहां से भारी मात्रा में ईंट और पत्थर बरामद हुए थे. इसके अलावा हमने ये भी दिखाया था कि जब यहां से अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर आया तो ये जो सामने दुकानें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो इन दुकानों की छतों पर कांच की बॉटल्स भी भारी संख्या में मिली थी. इसके अलावा हामिद नाम का जो कबाड़ी इस मामले में गिरफ्तार हुआ था उसने भी ये खुलासा किया था कि कुछ कांच की बोतलें उसने कुछ लोगों को बेची थी. तो उससे आगे की पूछताछ जो है वो की जा रही है. और जब ये खुलासा आईबी सूत्रों से हुआ है कि ये साजिश रामनवमी को ही रच ली गई थी तो इससे ये पता चलता है कि किस तरह से दंगे वाली साजिश को रचा गया था और अंसार उसका मुख्य मास्टरमाइंड है. लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि वो स्थानीय मास्टरमाइंड है. हम लगातार कड़ियां जोड़ते हुए इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिसमें हमने जांच में ये भी बताया है कि कैसे जो हनुमान जयंती वाला दिन था उस दिन कुछ संदिग्ध ड्रोन इलाके में होने की आशंका भी जाहिर की गई है और उस पर भी दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर जांच कर रही है. इंटरनेट कॉलिंग्स को भी खंगाला जा रहा है और एक हफ्ते के भीतर इस इलाके में जो पुलिस फोर्सेज हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा किया गया है. चाहे अन्य सुरक्षा एजेंसियों के जवानों की भी बात क्यों ना हो, उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया और पुलिस ने भी अपने सीसीटीवी कैमरा जो हैं वो बढ़ाए हैं. और साथ साथ अंसार के बाद अगर इस मामले में कोई और नाम आता है तो वो है गुल्ली का, क्योंकि हिंसा वाले दिन असलम जो गोली चला रहा था उस हथियार को मुहैया कराने वाला गुल्ली था. और बाद में ये भी पता चला था कि सी ब्लॉक जहां से उपद्रवी भारी संख्या में आए थे, यहां से एक वीडियो भी सामने आया जिसमें सोनू चिकना जो है गोली चला रहा था और वो हथियार भी गुल्ली ने ही मुहैया कराया था. ये जानकारी भी पुलिस के पास है. तो कुल मिलाकर गुल्ली ने हथियार वाली साजिश रची थी और अंसार ने पत्थर एकत्रित करने को कहा था और साथ साथ रामनवमी के दिन ही इस पूरे जो दंगे वाली साजिश है उसको बना लिया गया था और 9 से 13 लोग उसमें आईबी सूत्रों के मुताबिक शामिल बताए जाते हैं. जिस तरह से कड़ियां इस मामले में जुड़ रही हैं, देश की राजधानी से लेकर पश्चिम बंगाल तक पुलिस की जांच चल रही है, उसमें ये चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं. दिल्ली में कैमरामैन जेना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज़.